हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रकेस्टोमी के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रकेस्टोमी क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका इंडिकेशन कब हम ट्रकेस्टोमी करते हैं, किस कंडीशंस में हम ट्रकेस्टोमी करते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रकेस्टोमी के अंदर यूज़ की जाने वाली ट्यूब्स कितने टाइप्स की होती है और ट्रकेस्टोमी खुद कितने टाइप्स की होती है। साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रकेस्टोमी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, ट्रकेस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। बेसिकली इसको किया जाता है एल्वियोलर वेंटिलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, बेसिकली हमारे ट्रेकिया की एंटीरियर वॉल पर, यानी कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स पर एक हॉरिजॉन्टल इंसीजन बनाया जाता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया, और इसकी मदद से पेशेंट को वेंटिलेशन के अंदर असिस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रकेस्टोमी की क्यों जाती है। दोस्तों, ट्रकेस्टोमी की जाती है हमारे एल्वियोलर वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही आपके ब्रीदिंग पाथवे को, यानी कि ब्रीदिंग के लिए एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करने के लिए ट्रकेस्टोमी की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या होता है, कि कब कब आपको ट्रकेस्टोमी करनी है, यानी कि अगर आपको रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी है उस केस में ट्रकेस्टोमी की जाती है, या जो पाथवे है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इस केस के अंदर आप ट्रकेस्टोमी करेंगे। अब बात करते हैं कि ट्रकेस्टोमी के टाइप कितने होते हैं। बेसिकली दो टाइप की ट्रकेस्टोमी होती है, एक होती है इमरजेंसी टाइप और एक होती है परमानेंट। इमरजेंसी की जाती है जब पेशेंट की लाइफ सेव करनी हो, यानी कि उसके अंदर वेंटिलेशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो उस केस में, या रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी है तो उस केस में उसकी जान बचाने के लिए, उसके वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ट्रकेस्टोमी की जाती है। और दूसरी होती है परमानेंट ट्रकेस्टोमी, जो कि की जाती है कि अगर आपके अपर एयरवे ट्रैक्ट में कोई लीजन है, या फिर आपके ईसोफेगस के अंदर कोई लीजन है, या अपर एयरवे ट्रैक के अंदर कोई लीजन है, उसको क्योर करने के लिए, उससे आपके वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ट्रकेस्टोमी की जाती है। दोस्तों, ट्रकेस्टोमी के अंदर यूज़ की जाने वाली ट्यूब्स कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो बेसिकली मेटेलिक और प्लास्टिक दोनों ही टाइप की जो ट्यूब्स होती हैं वो इसके अंदर यूज़ की जाती है। कफ्ड और नॉन कफ्ड, कफ्ड और अनकफ्ड टाइप की ट्यूब्स भी इसके अंदर यूज़ की जाती है। साथ ही इसके अंदर जो ल्यूमन होता है वो सिंगल और डबल ल्यूमन भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग टाइप्स की ट्यूब्स होती है, किसी को सिंगल और किसी को डबल ल्यूमन इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही किसी के अंदर कफ्ड और अनकफ्ड की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। दोस्तों, ट्रकेस्टोमी के कॉम्प्लिकेशन की मैं बात बताऊं तो अल्सरेशन हो सकता है, ट्रेकिया के अंदर इरिटेशन हो सकता है, जिस साइट पर ट्रकेस्टोमी की गई है उस साइट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, हेमरेज इसकी वजह से आपको हो सकता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हमें ट्रकेस्टोमी की वजह से देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching Physio Talk.